कह रहे थे बताइए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है पाकिस्तान को चार टुकड़ों में ब्रेक करना चाहिए और जो है बलूचिस्तान की एम्बेसी दिल्ली के अंदर लगानी चाहिए। MFN का जो स्टेटस जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का इकोनॉमिकली दे रखा है वो तो ले लिया गया, उसको हटा लिया गया, मान लिया वो। और जो सिंधु जल समझौता है जो 1960 में हुआ था जिसका 60% जल पाकिस्तान को। खबरें ऐसी भी आ रही है कि सेना को अब सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है वो अपने ऑपरेशन करने के लिए अंजाम, ये खबर आ रही है अभी सर? ये भी खबर जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खुली छूट दे रखी है। अभी अभी कुछ प्लानिंग चल रही होगी, अब क्या अंदर चल रही होगी वो तो पब्लिक में तो बताई नहीं जा सकती ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, लेकिन ऐसा ऐसी जो अभी तक खबरें आई हैं कि लगातार उन स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं सरकार के जो भी लोग हैं या जो भी उसके लिए जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं, और वो अभी तत्काल सुरक्षा बलों को छूट दी गई कि आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करो और कुछ शायद कुछ हो, होना भी चाहिए। हमें नहीं पता क्या होने वाला है बट ऐसी संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो ये चीजें आ रही है, निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना चाहिए और डॉक्टर सुब्रमण्यम इस्तीफा देने से सॉल्यूशन मिल जाएगा, बता रहे हैं हम आगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को इस देश का डिफेंस मिनिस्टर बनाना, ऐसे 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 मामलों में एक एक मंत्री इस्तीफा देगा दूसरा मंत्री टेक ओवर करेगा ये ज्यादा जरूरी है या इस टाइम पे उन्हीं से कुछ इनिशिएटिव लेना जरूरी है? सुनिए उसका रीजन सुनिए, एक मिनट, ये आप किसकी फेलियर मानते हैं? ये निर्मला सीतारमण का फेलियर है, ये मोदी का फेलियर है, ये सेना का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, फेलियर देने दीजिए। मेजर आदित्य ने जहां 3 सैनिकों को वहां मारा उन पे FIR दर्ज करने का आदेश निर्मला सीतारमण ने दिया था, ये वहां की विधानसभा में महबूबा मुफ्ती ने बताया था, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था, आप समझ लीजिए इस चीज को क्यों देना चाहिए उसका रीजन समझिए। दूसरा विषय ये है पूर्णकालिक, नहीं राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं।